सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस का मांगा चैप्टर 1045 अनऑफिशियल साइट्स पे रिलीज हो चुका है। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ये चैप्टर किस प्रकार का था, भाई ये चैप्टर ना फुल ऑन फाइट से भरा हुआ था, प्लस कॉमेडी। जिस लेवल की यहाँ पर कॉमेडी हुई है ना, तुम लोग टॉम एंड जेरी को याद करोगे। जिस प्रकार से फाइट के बीच में एक से एक कॉमेडी चल रहा था भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था यार। मतलब जब इसका एनिमे आएगा ना, आज से करीब 2 साल बाद, जो एनिमे वॉचर्स है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले। और ख़ासकर मैं 2 साल बाद आए या फिर 4 साल बाद आए, मैं उस एपिसोड को देखने वाला हूँ। और सच बता रहा हूँ, जब एपिसोड आएगा तो ज़्यादा हमें फ़नी देखने को लगेगा, ऐसा मेरे को फील आ रहा है। प्लस मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, काइडो हारा नहीं है। भले इस चैप्टर के एंड में हमें काइडो गिरा हुआ नज़र आ रहा है, बट काइडो हारा हुआ नहीं है। प्लस तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस पूरे चैप्टर में, मुझे बताना मत भूला। मेरा बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स यहाँ पर निकल के आए, बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट्स भी थे। चाहे लूफी का वो जायंट बन जाना, या फिर लूफी का जायंट बन के उसको जंपिंग रोप की तरह यूज़ करना। वैसे काइडो ने भी जवाब दिया, ब्लास्ट ब्रिज सीधा लूफी को दे मारा, और लूफी जिस हिसाब से यार गिर रहा था ना, वो पार्ट भी मैं हंस रहा था। वैसे क्या मुझे वहाँ पर हंसना चाहिए था, वो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को वो वाला मोमेंट भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। इसके बाद मेरा एक और फनी मोमेंट आता है, जब काइडो रैग्नारोक यूज़ करता है लूफी के खिलाफ, और भाई सीधे सिर पे मारता है, और जिस हिसाब से लूफी का चेहरा में दिखाया जाता ना, वो भी बहुत ज़्यादा फनी था यार। वैसे अगर तुमको याद होगा, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि हमें लूफी का पैरामीसिया वाला अवेकनिंग देखने को मिला है। यहाँ पर हमें जोआन वाली पावर भी देखने को मिलती है, और काइडो इस चीज़ को नोटिस भी करता है, जो कि क्या ये लूफी के लिए अच्छी बात है? मेरे हिसाब से लूफी के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर काइडो लूफी के अटैक्स को खा खा के उसके डेविल फ्रूट पावर को समझने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले चैप्टर्स में भाई बहुत घमासान फाइट चलने वाला है। वैसे नेक्स्ट चैप्टर का मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो और ज़्यादा आतंक मचेगा। फिलहाल ये चैप्टर जो ओडा ने दिया, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिया है, जिस हिसाब से इन दोनों की फाइट दिखाई गई है फनी मोमेंट्स के साथ। पर फिर भी ना यार, यहाँ पर काइडो और लूफी अपने लाइफ के कुछ ऐसे पल इंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन दोनों को, चाहे वो लूफी हो चाहे वो काइडो है, वो दोनों मतलब फाइट को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पे तो उतर आए हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। काइडो भी रिप्लाई दे रहा, लूफी भी जवाब दे रहा, दोनों एक दूसरे को अटैक पे अटैक किए जा रहा है। एक और सीन शायद तुमको याद होगा, जब काइडो लूफी को मार के सीधा भाई उसका चेहरा ओनिगासीमा के अंदर गाड़ देता है, और उसको देख करके जिस हिसाब से यार लॉ किड चॉपर इन सब का रिएक्शन होता, वहाँ पर जरा लॉ का देखना, एकदम उसके डेन मूसी की तरह दिख रहा था उसका चेहरा भाई, बहुत ज़्यादा मतलब कॉमेडी से भरा हुआ था ये चैप्टर, फुल कॉमेडी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि मुझे अभी तक समझ में फ़िलहाल तो आई नहीं है, फ्यूचर में शायद हमें समझ में आ जाए। जिस हिसाब से लूफी काइडो को मार रहा था, एक बात गौर करना, जब एक बार उसके पेट के अंदर चला जाता है भाई, वो अपने दोनों हाथ उसके आँख में से निकालता है, पर उसका आँख फूटता नहीं है। क्या मतलब है भाई इसका? ओडा शायद कुछ हमें छिपा के रखा है, फ्यूचर में हमें रिवील करेगा आने वाले चैप्टर्स में, ऐसा मेरे को लग रहा है। प्लस एक और चीज़ जरा तुम गौर करना, चैप्टर के लास्ट के पेजेस पे जब लूफी काइडो को मारता है भाई, उसका मुक्का ना उसके चेहरे में से होते हुए आर पार होता है काइडो के चेहरे में से। भाई ये क्या चल रहा है, ये कौन सी पावर है यार? ये बहुत ही खास तरीके का पावर है सच में भाई। मतलब गोरोसे ने ठीक ही कहा था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से ये जो डेविल फ्रूट है ना, जोआन है, पैरामीसिया टाइप हरकतें करता है, नाम चेंज करके रखा है, कुछ भी चल रहा है, पर हाँ ये पावर बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप का है। वैसे चैप्टर के एंड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए थे, मैं जिस वेबसाइट से रीड किया वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर बताए गए थे, जहाँ पर हमें बताया गया जो लूफी का जायंट वाला फॉर्म था वो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, प्लस वो जो काइडो का जो अटैक था ना, थ्री वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट रैग्नारोक, बौद्ध माइथोलॉजी से लिया गया था, हु कॉन्क्वर्ड द थ्री वर्ल्ड्स डिजायर फ्रॉम एंड फॉर्मलेस, इस चीज को वो बता रहा था। ये चैप्टर को अगर तुम मेरे से रेटिंग मांग रहे हो तो इस चैप्टर को मैं 7.5 देना चाहूंगा, बिकॉज इसमें फुल ऑन फाइट प्लस कॉमेडी था, ज्यादा कुछ नया चीज रिवील हुआ नहीं है, बस फाइट पे फाइट हुआ है, दोनों का जबरदस्त घमासान फाइट हुआ है, तो फाइट के मामले में ये 7.5 तो यार डिजर्व करती है। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिवील हुआ नहीं, ज़्यादा कुछ स्टोरी आगे बढ़ा नहीं, बस फाइट हमें दिखाया गया, कोई रिजल्ट लास्ट में आया नहीं है,
हाँ काइडो लास्ट में गिरा हुआ था, ये चीज तुम मुझे बोल सकते हो, बट ये बात याद रखो काइडो हारा नहीं है, अभी उसको एक मुक्का पड़ा है, अभी वो उठेगा, अभी और वो क्या रिप्लाई देगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में जानने को मिलेगा। इस वजह से यार 7.5 इस चैप्टर के लिए अच्छा रेटिंग है। और खास कर तो अगर तुम लूफी का डाई हार्ट फैन हो तो इस चैप्टर को जरूर रीड करो। और शायद ज्यादा कुछ कहना रह नहीं गया, तो इस वजह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।